जो मिला है हमें, इससे सबक मिला है कि हमें अमृत का इसके बाद वाला मंथन करना है। और मैं आपसे कह दूं, भी आपने हरीश रावत जी का, योगी जी का और धामी जी का नाम लिया, ये सभी मुख्यमंत्री चेहरे और हमारे बाबा जी मुख्यमंत्री है। मैं आपको बता दूं, योगी जी के साथ भाजपा का जो वेक्टर है वो सिर्फ 4-5% का काम करता है। योगी जी जब निर्दलीय चुनाव लड़ते थे तो वो 48% उनका जो था जीतने का, जो उनको वोट मिलते थे, और जब वो जीते तो उनको 52 मिले भाजपा के साथ। तो योगी जी वो चेहरा है जो हमारे धर्म और आस्था से जुड़े हुए हैं, तो उनका जीतना और न जीतना इस पे तो हम प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारे धार्मिक आस्था का, जहां से वो आते हैं वो उस चीज को लेके चलते हैं, तो उनका तो जीतना न जीतना उस पे तो हम कभी भी प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकते हैं। वो जब भी आस्था आती है तो आस्था पे हर चीज अलग हट जाती है वहां पे। अच्छा, मतलब धर्म के आधार पर जीतते हैं जी। तो आप अमेठी और रायबरेली जीतते थे, तब किस आधार पे जीतते थे? आती है। देखिए तिलक जी, तिलक जी आपने उस बात को, दो बातें अपने मानस की हैं उसकी बात को आपने पलट दिया। नहीं, मैं पलट नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि गोरखपुर ये धर्म के आधार पर जीत जाते हैं, जब आप अमेठी और रायबरेली जीतते थे तो फिर किस आधार पे जीतते थे? विश्वास से। अच्छा, ये जीतते हैं तो धर्म के आधार पर जीतते हैं आप, विश्वास के आधार पर? नहीं नहीं, आप देखिए, आपने तुलना हटा दी। मैंने रावत जी और धामी जी दोनों को लेके मैं बात करना शुरू कर रही थी। हाँ। कि यहाँ पे जो फैक्ट काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जब पार्टी के कुछ, वाराणसी में 8 में से 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, वाराणसी में 8 में से 7 सीटों पर आगे चल रही है। विवेक जी समझ रहे हैं वाराणसी का मतलब? और जिस जी समझ रहे हैं, नीलकंठ तिवारी जी पीछे चल रहे हैं आप ये भी बता दीजिए, और जहां से उनको जीतना चाहिए था वहां पे वो पीछे चल रहे हैं, ये भी बताना चाहिए आपको। नहीं, मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे, सब कुछ कहना और नहीं नहीं, आप चुनाव जीतेंगी मैं सबसे पहले बताऊंगा। आप कांग्रेस यहां से चुनाव जीतेगी सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कांग्रेस यहां से चुनाव जीत रही है। तिलक जी और मैं, आपको बहुत जल्दी मौका मिलेगा ये कहने का कि कांग्रेस हर जगह से आगे बढ़ रही है। हाँ, और ये मेरा पूरा विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल, होना भी चाहिए विश्वास होना भी चाहिए। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, 8 में से 7 सीटों पर वाराणसी में बीजेपी आगे चल रही है, यानी मोदी का जादू चला? बिल्कुल, जिस दिन मोदी जी ने वहां रोड शो किया था, पूरी काशी मोदी में थी, मोदी जी स्वयं का। एक बड़ी खबर पौड़ी से आ रही है, पौड़ी से प्लीज चेक करिएगा, पौड़ी से बड़ी खबर ये आ रही है कि श्रीनगर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त धन सिंह रावत से पीछे चल रहे हैं, जमकेश्वर से रेणु बिष्ट इस वक्त आगे चल रही है, चोबट्टा खाल से सतपाल महाराज आगे चल रहे हैं 1500 वोटों से, ऋतु खंडूरी कोटद्वार से इस वक्त आगे चल रही हैं 2400 वोटों से, पौड़ी से बीजेपी के राजकुमार आगे चल रहे हैं 762 वोटों से, लैंसडाउन से दिलीप रावत आगे चल रहे हैं, अनुकृति गोसाई पीछे चल रही हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आगे चल रहे हैं और धन सिंह रावत पीछे चल रहे हैं। यह बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, उत्तराखंड की पलपल की खबर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो बड़ी खबरें आ रही है उत्तराखंड से कि धन सिंह रावत पीछे चल रहे हैं, जो कि मंत्री भी हैं और ये भी मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं। गणेश गोदयाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ओके विवेक श्रीवास्तव जी, वाराणसी में 8 में से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है रुझानों में, संकेत और संदेश क्या है? और दूसरी तरफ अब तो यह भी आवाज उठने लगी है कि 2022 का मतलब 2024 का संकेत, और योगी दिल्ली की तरफ कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये मीडिया के लोगों का, आपके कार्यकर्ता बोल रहे हैं सर। देखिए, लोग अति उत्साह में कुछ कह जाते हैं, किसी गंभीर नेतृत्व के द्वारा अभी तक इस तरह की कोई चर्चा नहीं की गई होगी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनकी लोकप्रियता का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। ऐसे में अभी कोई आवश्यकता नहीं है कि उस स्थान के लिए किसी और की चिंतन किया जाए।
2024 का भी चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। अच्छा, मैं सुधा जी को, सुधा जी नाराज हो रही है मुझसे, मैं कुछ और तस्वीरें दिखा देता हूँ, बीजेपी के जश्न की तस्वीरें फिर दोबारा से अलग अलग तरहों से पूरे उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आ रही हैं, जहाँ जहाँ से तस्वीरें आ रही हैं जश्न की, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुधा मैडम, मैं माफी चाहूंगा, आपके घर से भी तस्वीरें आएंगी तो मैं जरूर दिखाऊंगा, लेकिन ये तस्वीरें मेरे को, आपको चिढ़ाने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आ रही है, वो तस्वीरें जो हमारे सहयोगी भेज रहे हैं मैं वो दिखा रहा हूँ। 403 सीटों पर रुझान में इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है वो लगभग तस्वीर संकेत दे रही है 271 सीटों का, जहां पर रुझान में बीजेपी आगे चल रही है। विवेक श्रीवास्तव जी, अपनी बात कंप्लीट करिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा और हम फिर सरकार बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी की आवश्यकता उत्तर प्रदेश को अभी है। हाँ। उत्तर प्रदेश में उन्होंने अच्छा काम किया, जनता ने उनको अपना आशीर्वाद दिया है। हाँ। और अगले 5 साल योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ेगा। जो काम रहेगा उनको भी पूरा करना है। तमाम सारे भी हमारे एजेंडे के काम बचे हुए हैं। हाँ, आपके डिप्टी सीएम पीछे चल रहे हैं, आपके डिप्टी सीएम पीछे चल रहे हैं। नहीं नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि वो भी थोड़ी देर में आगे हो जाएंगे, जनक बढ़त बना देंगे। ये आपको जनता से उम्मीद है, ईवीएम से उम्मीद है? नहीं नहीं, जनता से ईवीएम से कौन क्या उम्मीद करेगा। अब जो, अब देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। ये तो मूर्ख लोग कहते हैं कि साहब ईवीएम ईवीएम ईवीएम, मूर्ख, ऐसे मत बोलिए सर, जनता करेगी, ऐसे मत बोलिए। कई आपके नेताओं ने भी किताबें लिखी हैं और आपके नेताओं ने विरोध जताया सबसे पहले, तो ऐसे मूर्ख मत बोलिए किसी। देखिए तिलक जी, लोकतंत्र है और ईवीएम का युग आ चुका है। अब आज की डेट में आप मतपत्र की बात करें तो इसे मूर्खता छोड़ करके और कुछ कहा नहीं जा सकता। लोकतंत्र ये बहाने मारते आ चुका है, ये बहाने मारते हैं जी, ये बहाने मारते हैं बिल्कुल। ये हारने पे लोग अपने लिए बहाने ढूंढते हैं। ये ईवीएम का बहाना छोड़ दीजिए अब सुधा जी, बस बात खत्म करिए आप। तिलक भाई, सबसे पहले आप अगर मुझे थोड़ा मौका दें, मैं आपसे कोई नाराज नहीं हूँ और जनादेश या फिर जो हमारे पत्रकार भाई बंधु होते हैं उनसे नाराजगी कभी होती नहीं है, क्योंकि आप लोग सत्य दिखाते हो, तो नाराजगी आपसे मेरी कतई नहीं है, नाराजगी खुद से है। और मैं विवेक जी को अग्रिम बधाइयां देती हूँ कि अगर आप सरकार बना रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो कार्य रह गए उसको जरूर पूरा करें आप। नाराजगी तब होती है जब हम कोई कार्य कर रहे हों और उसको पूरा न कर पाए, तो यहाँ पे नाराजगी कभी आपसे नहीं है। लेकिन आपने एक वर्ड यूज किया, चिढ़ाना। राजनीति की जो खूबसूरती है ना, वो चिढ़ाने से नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं आपको उत्प्रेरित करते हैं कि आप जो नहीं कर पाए वो करिए, ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बहुत खूब, और हम इस खूबसूरती को बहुत जल्दी ही आप तक जरूर लेके आएंगे। मैं अपने शब्द वापिस लेता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं तिलक भाई, और हम जरूर चाहेंगे कि राजनीति की खूबसूरती बनी रहे और जो विकास जनता की होनी चाहिए, अगर हम नहीं है तो, अगर विवेक भाई उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जनता की जो चीजें रह गई हैं वो खामी फिर से न होने पाए, क्योंकि हमारे पास वही मुद्दे थे, है ना, हम उसी मुद्दों को लेकर लड़ रहे थे। अब देखिए, आप ही के लिए, आप ही के लिए कमेंट आया लाइव में, ये कमेंट आया कि एक थी कांग्रेस। बिल्कुल नहीं, ये जो कमेंट करने वाले लोग होते हैं उनको तो मैं बहुत सहज से प्रेम देती हूँ कि बहुत अच्छे कमेंट करते रहिए, और ये हमारे लिए ना अमृत काम करता है। अमृत काल, एक थी को हम कैसे प्रजेंट, आपके लिए उसको कैसे ना, हम चेंज करेंगे? ये तो विवेक जी के लिए अमृत काल चल रहा है, आपके लिए कौन सा काल चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए अमृत काल ही हमारे लिए भी है, क्योंकि देश का अगर विकास किसी भी हित में हो उसके लिए विष या अमृत नहीं होता है। हाँ, सहर्ष स्वीकार हम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं खामी रह गई है। आपकी तरह अगर बड़ा दिल सबका हो जाए तो ये बात को स्वीकार करते हैं कि योगी ने विकास किया? मैं इस बात को अभी तो कुछ नहीं, क्योंकि कहते हैं रंग में भंग नहीं डालना है। अगर जनता इस बात को मान रही है, तिलक जी, एक जो हम हर चीज में छोड़ देते हैं, आपने देखा होगा इस बार जो वोटिंग हुई है उसमें हम उनको फिर अपनी तरफ नहीं घूम, जिन्होंने वोट ही नहीं किया हम उनको अपनी तरफ नहीं कर पाए, बस खामी इस चीज की रह गई। ऐसा नहीं है कि विकास के नाम पे प्रॉब्लम है कि नहीं, ये आप भी जानते मैं भी जानती हूं। किस नाम पर जीत रहे हैं ये? अगर बीजेपी जीत रही है तो किस नाम पे जीत रही है? जैसा कि लोग बार बार धर्म आस्था के नाम बात करते हैं तो भाग्य से जीत रहे हैं, मैं कह सकती हूं। अच्छा, तो धर्म और आस्था के नाम पर
धर्म और आस्था के नाम पर इनको 250 सीटें मिल जाती हैं और आपको तीन सीटें भी नहीं मिलती। तिलक जी मैं बता रही हूँ आपको, मैं चूंकि एक शिक्षिका हूँ, मुझे कुछ ऐसे अपने साथ में काम करने वाले जो लोग थे उन्होंने कहा कि मैम हम वोट डालने गए और जब हम ईवीएम तक पहुंचे तो हमें अचानक राम जी दिखने लगे। मतलब आस्था का इतना ज्यादा उन पे इंपैक्ट था कि मैं हंस के वहां से हट गई। मैंने अच्छा, कुछ उत्तर नहीं दिया। इनको राम जी वहां पहुंचने के बाद, अच्छा योगी जी में राम जी दिखाई देते हैं इनको? योगी जी में नहीं, उनको लगा कि राम जी को लाने का जो ये कहते हैं हम लेके आए हैं वो कार्य कर रहा था। और इनको कहते हैं ना कि आज भी राम के नाम पर इनको वोट मिलता है, आप ये कह रही हैं? लग जी सच्चाई को कह दिया जाए या रोक दिया जाए ये आपके ऊपर है। नहीं, आप बोलेंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप बोल रही हैं, बहुत अच्छा बोल रही हैं कि राम के नाम पर इन्हें वोट मिला। तिलक जी, राम के नाम पे भी वोट मिला है, राम के नाम पर भी वोट तो मिला। सबके भगवान विवेक श्रीवास्तव जी, ऐसा है क्या विवेक श्रीवास्तव जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भगवान राम का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम इसको स्वीकार करते हैं। तो जनमानस का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो किसान भाइयों का आशीर्वाद हमारे साथ है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है, सबका आशीर्वाद हमारे साथ। तो कब तक राम के नाम पर वोट मांगेंगे? नहीं, हम राम के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं, हम राम के भक्त है, राम भगवान राम का आशीर्वाद हमारे साथ है। अब देखिए सुधा जी कह रही है, सुधा जी की बात सुनी आपने कि वो जब वोट डालने जा रहा था तो उनको राम दिखाई दे रहे थे, सुधा जी ने कहा राम दिखाई दे, भगवान करे उन्हें भी दिखाई दे जाए। तिलक जी उस बात के गहराई में जाइए कि जनमानस विकास को दरकिनार कर दे रहा है और आस्था के नाम पे वोटिंग करने लग रहा है। मैं इस बात को कर रही थी, आप डेप्थ में जा रहे हैं। नहीं, आस्था के नाम जाए, लेकिन आस्था के नाम पर सबने वोट किया, सबने आस्था के नाम पर वोट किया। सबने नहीं तिलक जी, आप जानते हैं कितने परसेंट वोट पड़े हैं ये आप जानते हैं ना? हाँ। हम उसको 100% मान रहे हैं, लेकिन जिन्होंने वोटिंग नहीं की है, क्या यही वोटिंग परसेंटेज आपके हित में होती तब आप ये बात नहीं कहते कि भैया आपने देखा कि कितने प्रतिशत लोगों ने वोट डाले? तिलक जी मैं आज भी कह रही हूँ, जनादेश शिरोधार्य, जनता का जो आदेश वो हमें संवैधानिक स्थितियां जैसी है हमें बेहतर तरीके से मालूम है और हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जो आपने प्रश्न किया था उसका उत्तर था कि विकास से अगर वोट पड़ना होता तो सच में इनको इतने सीटें नहीं मिल रही होती, ये आप भी जानते हैं। बेरोजगारी के नाम पे पड़ता तो इनको इतनी वोट सीटें नहीं मिलती, आप भी, बेकारी है, बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं। जो छात्र है, मैं छात्रों की बात करूं, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक फॉर्म को जो बच्चा यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है वही क्लर्कल एग्जाम भी दे रहा है क्योंकि डर में कि नौकरी तो है ही नहीं कहीं पे। तो जो हकीकत है वो जमीन पे यही है। मैं हमेशा कहती हूँ मैं शिक्षिका हूँ, मैं जानती हूँ, वही बच्चे जो चपरासी के लिए फॉर्म भर रहे हैं वो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, ये कौन सी व्यवस्था है? कम से कम पहले ये तो था ना कि हाँ यूपीएससी का बच्चा यूपीएससी को ही देगा, लेकिन आज नौकरी की जो कमी है ना, उद्योग सरकारी है, उद्योग धंधे है नहीं, उसमें काम है नहीं, तो बच्चे करेंगे क्या, बेरोजगार रह के रहेंगे? फिर भी इतने मुद्दे होने के बावजूद फिर भी ये 254 सीट पर इस वक्त रुझान में बढ़त बनाए हुए हैं, फिर भी ये प्रश्न वही है तिलक जी, प्रश्न वही है ना। आपने कहा ना कि ये गर्मी चर्बी जो बातें चलती हैं वोट के समय पे वो कैसे आपको तो कैप्चर आप करती अपने वोटरों में गर्मी क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आपके वोटरों में क्यों नहीं गर्मी आ रही कि हम कहें कि कांग्रेस के लिए वोट डालो? नहीं, विचारों की राजनीति होनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कह के उकता के राजनीति करने की जरूरत क्या है, है ना, विकास करके देखिए, अगर आपको वोट ना मिले तो आप कहिएगा। तो मैं हमेशा विरोध करती हूँ और मैं आपके पटल में हमेशा बोलती हूँ कि विचार की होनी चाहिए, विकास की होनी चाहिए, रोजगार की होनी चाहिए। और मुझे इस बात का सच में प्रियंका जी ने इस बार जो अपने प्रयास किए हैं सकारात्मक राजनीति की, अगर वो सभी पार्टियों में आ जाए तो हमारे देश को बेकारी बेगारी इन समस्याओं से जूझना ही नहीं पड़ेगा। और अच्छा। इस बात को सहर्ष आप भी मानते हैं, आप भी कहते हैं उनका प्रयास रहा है लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाई है, और हम एक पूरी कोशिश करेंगे कि वो विचार विकास के रूप में सामने आए और लोग उसको स्वीकार करें। चलिए कुछ प्रतिक्रियाएं ग्राउंड जीरो से आ रही हैं वो आपको सुनाते हैं और लगातार ये हमारी कवरेज जारी है। जरा जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो आप सुनिएगा, पंडित जी आप बने रहिएगा, लेकिन जो प्रतिक्रिया आ रही प्लीज प्ले करिए उसको।